तो गाइस मैं मीटअप पे आ रहा हूँ, जो सोबित भैया, प्रशांत भैया टिकरा सर कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में। तो गाइस ये होने वाला हमारा क्लास 11 का पहला ब्लॉग। बुमराह भाई बॉलिंग करवा रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हो ना कैसी बॉलिंग है। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस ये होने वाला हमारा क्लास 11 का पहला ब्लॉग और इसमें कुछ नई चीजें करने वाले हैं। नई चीज मतलब गाइस इस ब्लॉग में कुछ तगड़ी चीजें करने वाले हैं, क्योंकि ये हमारा पहला ब्लॉग है, वो भी क्लास 11 का। मतलब क्लास 10th में मैंने पहला ब्लॉग नहीं डाल पाया था, जैसे ही मैं क्लास 10th में आया था मैंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया ब्लॉग। तो बट क्लास 11th में तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा न्यू सब्जेक्ट भी है आर्ट्स, तो मजा ही आ जाएगा इस बार क्लास 11th में। और 12th में एकदम मचा देंगे भाई लिटरली, क्योंकि अभी तक जो हमने पढ़ा ना क्लास 10th वो सब हमारा पुरानी एजुकेशन थी। मतलब जो हमने पढ़ा मैथ, SST, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, अब हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता है हम वही सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो अभी मेरे को SST अच्छी लगती है तो मैं वही पढ़ूंगा। तो मैं करने वाला हूँ क्लास 6th की ज्योग्राफी स्टार्ट। तो तुम लोग सोच रहे हो भाई क्लास 6th की ज्योग्राफी क्यों स्टार्ट करेगा, तो मेन रीजन है कि क्लास 6th की करने का तुम्हारा जो आगे की ज्योग्राफी होती है वो थोड़ी टफ हो जाती है, और क्लास 6th अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा बेसिक थोड़ा मजबूत हो जाएगा, जिससे मुझे आगे दिक्कतें नहीं आएंगी। वैसे ही मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स सारे सब्जेक्ट को पढ़ने वाला हूँ बेसिक से, ताकि मेरे को आगे जाके प्रॉब्लम ना हो। और तुम भी ऐसा कर सकते हो, तुमने अगर साइंस ले रहे हो तुम तो क्लास 9th 10th की साइंस अच्छे से पढ़ लेना, ताकि तुम्हें 11th 12th में दिक्कत ना हो। और ये जो हॉलीडे के दिन है ना, तो इसमें भाई फुल टाइम को यूटिलाइज करो, मतलब टाइम पास भी करो बट इतना मत करो, दिन में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो ताकि तुम्हारी पढ़ने की आदत जाए ना। और गाइस पढ़ना तो जरूरी होता ही है। और इन छुट्टियों में गाइस मैंने अभी तक ब्लॉग नहीं डाले थे क्योंकि बहुत टाइम पास कर रहा था, मैं पूरा दिन आलस में जा रहा था। तो गाइस मैंने जैसे ही कैमरा उठाया तो मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं कितने रीटेक लिए मैंने ये बोलने के लिए, तब भी यार अभी भी ढंग से नहीं बोला, कोई बात नहीं। सो अभी करते हैं जल्दी से स्टडी स्टार्ट। सो गाइस तुम लोग में से बहुत सारे लोगों को डाउट होगा कि मैंने आर्ट्स क्यों ली, तेरा तो यार साइंस अच्छा था और मैथ अच्छा था। तो मैं तुम्हें एक चीज़ क्लियर कर दूं कि देखो सब्जेक्ट पे कुछ डिपेंड नहीं होता, सब्जेक्ट सिर्फ हमें 11th 12th पास करवाता है, और आगे जाके तो गाइस हमारे ऊपर ही हमें क्या चीज़ करना है क्या चीज़ नहीं करना। तो मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रहा हूँ तो सुन लो। तो गाइस देखो, तुम में से कुछ लोग सोचते हो कि साइंस लेने से यार बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत सारे करियर ऑप्शन खुल जाते हैं, और कॉमर्स लेने से भी बहुत फ़ायदा है, आर्ट्स लेने से फ़ायदा नहीं है। मतलब ऐसी कुछ इमेज लोगों के माइंड में बैठ रखी है कि ये सब कुछ नहीं होता। भाई देखो यार, कोई सा भी सब्जेक्ट लो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना उस सब्जेक्ट को लेना हमेशा। ये मत सोचना कि इस सब्जेक्ट में जॉब नहीं है, इस सब्जेक्ट में जॉब है, इस सब्जेक्ट में आगे जाके फ्यूचर है, ये सब सोच के कभी सब्जेक्ट को मत चुनना, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट लेना। और कुछ लोग होते हैं ना अपने मार्क्स के हिसाब से लेते हैं, बोलते हैं भाई अगर मेरे मार्क्स इसमें अच्छे आ गए तो मैं ये वाला सब्जेक्ट लूँगा, अगर मेरे मार्क्स इसमें बेकार आ गए तो मैं ये वाला सब्जेक्ट नहीं लूँगा। बट गाइज मार्क्स तो एक बार के आगे पीछे हो जाते हैं, बट गाइज हमारा इंटरेस्ट तो एक ही रहता है ना, तो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सब्जेक्ट चुनो। और बस मैं यही कहना चाहूँगा। तो जल्दी से मैं अपनी ज्योग्राफी को ख़त्म करता हूँ, उसके बाद तुम्हें मैं अपनी बुक्स दिखाऊंगा। सो गाइज अभी हमारी ज्योग्राफी हो चुकी है ख़त्म और मैं जा रहा हूँ तुम्हें बुक का रिव्यू करने। तो मैं टेक्निकल गुरुजी बन चुका हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं और बुक का रिव्यू करूंगा, ठीक है। सो सबसे पहले गाइस हमारी आ जाती है अपनी हिस्ट्री की बुक, जो मेरी क्लास 11th में मैं पढ़ने वाला हूँ हिस्ट्री की बुक। तो ये पूरी मॉडर्न हिस्ट्री होने वाली है, ठीक है। तो इसमें हम पूरी मॉडर्न हिस्ट्री मतलब पुराने जमाने के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और गाइस ये होने वाली हमारी सिविक्स की बुक, पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, एक थ्योरी की बुक है और एक में गाइस जो मेन चीजें लिखी है ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक होने वाली है। सो गाइस लास्ट में हमारी आ जाती है इकोनॉमिक्स। तो जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स में एक ऑप्शन होता है कौन सा लेना है, मेरे को इकोनॉमिक्स अच्छी लगती है और जियोग्राफी दोनों अच्छी लगती है, बट गाइस एक ही ले सकते हैं इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स चूज करा है। और ये देख सकते हो भाई मेरी फेवरेट बुक है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये वाली बुक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली। इसमें मेन चीजें लिखी है, इसमें गाइस थोड़ी मैथ घुस चुकी है, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, इसमें भी पता नहीं क्यों। और ये सारी हो चुकी है मेरी हिस्ट्री की बुक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो ये सारी हो चुकी है मेरी आर्ट्स की बुक। तो आज मेरे को अच्छा लगा थोड़ा रिव्यू करके। सो गाइस ये सारी बुक मैं पढ़ूंगा अब 11th में, बट गाइस अभी तो मैं बेसिक्स पे ध्यान दे रहा हूँ। सो गाइस मैं मीटअप पे आ रहा हूँ, जो सोबित भैया, प्रशांत भैया, दिग्दास सर कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली में 29 मार्च को। तो तुम में से जो भी आ रहा है तो गाइस कमेंट में बता देना कौन कौन आ रहा है, मिल भी लेंगे और मजा आएगा, तो उस चीज का भी ब्लॉग भी आएगा, तो नेक्स्ट ब्लॉग उसी के ऊपर होने वाला है। तो आज का ब्लॉग तो गाइस हमारा स्टडी ब्लॉग था। 2000 years later. सो गाइस ब्लॉग को करते हैं एंड। तो गाइस ये मेरा क्लास 11th का पहला दिन था, तो ऑफिशियली पहला दिन तो हमारा क्लास 11th का तब होगा जब हमारा स्कूल स्टार्ट होगा, बट अभी कहाँ हो रहा है स्कूल स्टार्ट, तो तभी हमने आज से बना लिया, जब से हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया तब से हमारा पहला दिन है, बात तो सही है। और गाइस वीडियो करते हैं एंड, वीडियो से तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। सो गाइस मैं आज का मैच देख रहा हूँ और मेरे को देखना पड़ेगा, बिकॉज देख सकते हो भाई कितने कम ओवर में कितने ज्यादा रन लिए हैं, मतलब मजा ही आ गया। और बुमराह भाई बॉलिंग करवा रहे हैं, इसका मतलब समझ सकते हो ना कैसी बॉलिंग है। तो मैच देखता हूँ, एंजॉय करता हूँ।